चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं, हमें छोटे वाले अरबी के पत्ते चाहिए। हमें इस तरह से पीछे से काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें पीछे से काट लेना है इसको। सारे पत्ते हम इसी तरह से काट लेंगे। सारे पत्ते मैंने काट लिए हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और एक कली पूरी लहसुन के लिए है जिसको मैंने छील के साफ़ कर लिया है, तो वो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। 10 से 12 मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है, आप मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, धनिया हमने कुटा हुआ लिया है, मोटा कुटा हुआ। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। और ये मैंने आधा कटोरी चावल लिया है जिसको मैंने भिगो लिया था आधा घंटा पहले। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए, तुरंत अच्छी तरह से भीग जाएंगे, वो भी डाल देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है खाने में, एकदम कुरकुरे हो जाते हैं हमारे ये अरबी के पत्ते के पकौड़े, तो वो भी डाल देंगे। अब इनको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, अब इसको साइड रख देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं एक कटोरी बेसन ले रही हूँ। और जो हमने मसाला पीसा था वो हम डाल देंगे। देखिए मसाला मैंने डाल दिया है और उसी मिक्सर में हम जार में थोड़ा सा पानी डाल के सारा मसाला हम निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें एकदम गाढ़ा घोल चाहिए, पतला घोल नहीं चाहिए। देखिए घोल हमारा तैयार है। और ये मैंने एक नींबू लिया है जिसको मैंने आधा काट लिया है दो हिस्सों में, तो हम उसको भी इसमें डाल लेंगे नींबू के रस को। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। हमने नींबू का रस डाला है तो नमक भी हमें उसी हिसाब से रखना है। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगे, आप टेस्ट करके देख सकते हैं बेसन को, थोड़ा कम लगे तो आप फिर इसको थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें हम फिर। और ये देखिए मैंने थाली ली है, इसको हम उल्टा रखेंगे और अरबी के पत्तों को लेंगे और उसको उल्टा रखेंगे और इस तरह से इस पर जो हमने पेस्ट बनाया है बेसन का वो लगाते जाएंगे, इस तरीके से लगाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। ये देखिए इस तरीके से लगाते जाएंगे पत्तों को, हम फैला फैला के लगाते जाना है इस तरीके से। पहले हम बड़े पत्ते लगाना शुरू करेंगे, छोटे पत्ते नहीं लगाएंगे। इस तरीके से लगाते जाएंगे हम। मॉनसून सीज़न में ही ये पत्ते मिलते हैं, पत्ते अगर फट जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी इसको लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से फैला फैला के हम पत्तों को लगाते जाएंगे। मॉनसून सीज़न में ही ये पत्ते मिलते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं ये, इसके पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और इनको हम कम तेल में बनाएंगे तो ये हेल्दी भी हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए पत्ता फटा है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, टाइट फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा बेसन लगा लेंगे चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगा लेंगे और इसको अच्छे तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से बाकी भी बना लेंगे। उसी तरह से हमें पत्तों को लगा लेना है फैला के, चारों तरफ पत्तों को फैलाते जाएंगे और उस पर हम बेसन लगाते जाएंगे। अब इसको हम मोड़ेंगे टाइट हाथ से, एकदम हम इसको मोड़ना है साइड से। हम इस तरह से पहले मोड़ लेंगे उसको, टाइट से एकदम हमें मोड़ना है। थोड़ा सा बेसन लगाते जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से फोल्ड होता जाए इस तरीके से। ये देखिए ये भी फोल्ड हो गया है इस तरह से दोनों साइड से। हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बेसन लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये मैंने तीन बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पतीला रखा है गैस पे और उसको मैंने देखिए गर्म कर लिया है, बॉईल आना शुरू हो गया है इसमें। तो इसमें मैं एक जालीदार वाली थाली रखूँगी इस तरीके की। इसको पहले हम तेल से ग्रीस कर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से हमें ग्रीस कर लेना है। और इसके ऊपर हम उसको रख देंगे और अरबी के पत्तों को हम इस पर अब रख देंगे। मैंने इसको इस पर रख दिया है थाली पे अरबी के पत्तों को। अब हमें इसको ढक के 15 मिनट के लिए स्टीम करना है मीडियम फ्लेम पे। पंद्रह मिनट हो गया है, देख लेते हैं। हमारे अरबी के पत्ते देखिए हमारे स्टीम हो गए हैं, तो उनको हम निकाल लेते हैं। अब आराम से उठाएंगे एकदम। गैस को बंद कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। अब अभी हम इसमें 5 मिनट और इसको इसी में पकने देंगे भाप में ही, उसके बाद हम निकालेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब। 5 मिनट हो गया है, इसको अब निकाल लेते हैं। आराम से निकालेंगे एकदम। तीनों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए तीनों मैंने निकाल लिए हैं, इनको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ठंडे हो गए हैं हमारे तीनों अरबी के पत्तों के रोल, तो उनको हम काट लेंगे। एक बड़े चाकू से इनको काटेंगे। आराम से हमें नाइफ चलाना है इसके ऊपर, बहुत तेज़ी से नहीं। देखिए इस तरह से काट काट के निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से काट काट के सारे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने दो काट लिए हैं। अब हम इनको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। यह मैंने एक पैन बिठाया है और इस पर हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे हम। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इस पे हम अपने रोल्स को रखेंगे। अब और तेल को इसके अच्छी तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि तेल इन सब पे भी फैल जाए। जितने एक बार में आपके पैन में आ जाए उतने आप डाल सकते हैं पकौड़ों को। इस तरह से तेल को हम करते भी जाएंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। ये देखिए हल्के सुनहरे हो गए हैं, तो इनको पलट देते हैं चम्मच की सहायता से। सारे पलट लेंगे इसी तरीके से।
ये देखिए मैंने सारे पलट लिए हैं। अब दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, इसके ऊपर नहीं डालना है, साइड साइड में डालना है, पैन पे डालना है, और इसको भी इसी तरीके से हम सुनहरा कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए एक रोल बच गया है, इसको आप फ्रिज में एक दो दिन के लिए रख सकते हैं और इसको बाद में काट के आप फ्राई करके खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगे। तो देखिए हमारे हो गए हैं, इनको सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट पे इनको सर्व कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें लेयर्स आए हैं। ये देखिए तैयार है, इनको प्लेट कर लिया है, बहुत अच्छे इसमें लेयर्स आए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स आए हैं इसमें। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।